मुझे इस मंदिरों के नगरी में पहली बार आने का मौका पर आप दिए हैं, आप सभी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन। साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण काम के लिए हम सब यहां मौजूद हैं। मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार यशस्वी 9 साल संपन्न किया है और पिछले 9 साल देश के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए ऐतिहासिक भी रहा है और अभूतपूर्व भी रहा है। जिस प्रकार का विकास का काम पिछले 9 साल में हुई है, ये भारत के आजाद इतिहास में इसका तुलना करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए आपको एक मौका मिलता ही नहीं है। ये अतुलनीय है, अभूतपूर्व है और ऐतिहासिक है। और आज भी भोपाल में प्रधानमंत्री जी ने देश के 10 लाख से अधिक भारतीय जनता पार्टी के बूथ से जुड़े कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रहे हैं। और ये 9 साल के संपन्न होने के उपलक्ष्य में पूरे देश में पार्टी की ओर से संपर्क से समर्थन का यह कार्यक्रम पूरे देश में जारी है। मैं यहां उपस्थित सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को अभिनंदन देना चाहता हूं, क्योंकि ये जो 9 साल में पार्टी के सरकार के सभी कार्यक्रमों को जमीन तक पहुंचाने में भी आप सब बहुत मेहनत किए हैं। विशेष रूप में मैं अरुण जी को और उनके पूरे टीम को मैं बधाई देता हूं, क्योंकि कोविड के समय में आप सब जनता के बीच अत्यंत उत्साह के साथ आप गए और लगातार 2 साल आप सेवा करने का बहुत बड़ा काम आपने किए। मैं जब भी बैठकों में पूछा करता था कि जम्मू में, कश्मीर में जिस प्रकार का काम यहां हुआ है, हर बार हर सेवा कार्य में देश के अलग अलग इलाकों से या प्रदेश से आगे आकर जम्मू के कार्यकर्ता आप सब सेवा काम किए हैं। मैं आप सभी को इस सेवा काम के लिए पार्टी की युवा मोर्चा की ओर से बधाई देता हूं, अभिनंदन देता हूं। साथियों, पूरे देश में पिछले 9 साल में वो शिक्षा क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे बनाने की बात हो, मेडिकल कॉलेजेस हो, हर प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 9 साल में बढ़ोतरी हुई है। और पिछले 9 साल के विकास का जो काम हुआ है, ये विकास का केंद्र देश के युवा है। आप सिर्फ जम्मू कश्मीर के ही बात देखिए, जम्मू में और कश्मीर में, सांबा में और अवंतीपुरा में 2 एम्स खोलने का काम पिछले 9 साल में हुआ है। पूरे देश में 70 साल में जितने मेडिकल कॉलेजेस और मेडिकल सीट्स का शुरुआत हुई थी, उससे ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस और मेडिकल सीट्स पिछले 9 साल में खुला गया है।
और जम्मू में आईआईटी हो, एम्स हो, इसका भी शुरुआत हुआ। देश में जम्मू एकमात्र शहर है जहां आईआईटी भी है, आईआईएम भी है और एम्स भी है, और ये मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल का एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। पूरे प्रदेश में नए 8 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का शुरुआत हुआ है, और इसके अंदर यहां के हजारों नौजवानों को डॉक्टर बनने का मौका भी मिला है, साथ ही साथ प्रदेश के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का इंप्रूवमेंट भी हुआ। आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार 3% रिजर्वेशन जम्मू और कश्मीर के बॉर्डर एरियाज में जो नौजवान रहते हैं उनको पहली बार 3% शिक्षा में रिजर्वेशन प्राप्त हुई। साथ ही साथ यहां के वाल्मीकि समाज हो, यहां के पश्चिम पाकिस्तान से आए हुए रेफ्यूजीज हो या यहां के महिला हो, इन सभी को आर्टिकल 370 और 35A हटने के बाद पहली बार इन सभी को रिजर्वेशन हो या इनको अधिकार प्राप्त हुआ। मैं आप सभी को बधाई देता हूं, आप सभी को मैं बधाई देता हूं, क्योंकि आप सबके संघर्ष के वजह से ही आज देश में आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को हटाने का काम संभव हुआ। साथियों, दिल्ली काटरा के बीच में हो रहे एक्सप्रेसवे हो, जम्मू कश्मीर में हो रहे बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हो, एक्सप्रेसवे हो, नए यूनिवर्सिटीज हो, इन सभी काम देश के युवाओं के केंद्रित और प्रदेश के युवाओं के केंद्रित। मैं आप सभी को आज इतना ही निवेदन करने के लिए आया हूं। आने वाले 1 साल प्रदेश के लिए और देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण साल है, क्योंकि 2024 के जो चुनाव है ये देश के भविष्य के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। आप सभी के प्रयासों के वजह से ही 14 में और 19 में मोदी जी को पूर्ण बहुमत करने वाली सरकार का आशीर्वाद प्राप्त हुई, और आप सभी के प्रयासों से ही 24 में भी फिर एक बार देश में पूर्ण बहुमत मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार बनने वाली है, और हैट्रिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार 15 साल के लिए देश के कुशल नेतृत्व वो करेंगे, और आने वाले 25 साल देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण 25 साल होंगे, और इस 25 साल के आत्मनिर्भर भारत के, स्वर्णिम भारत के नींव रखने वाले काम पिछले 9 साल में हुई है, और इस नींव के आधार पर ये स्वर्णिम भारत का काम करने का बहुत बड़ा जिम्मेदारी आप और मैं, हम जैसे नौजवान कार्यकर्ताओं के ऊपर है। इस जिम्मेवारी को, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत सीरियसनेस के साथ हम लेंगे, और बूथ बूथ में, जम्मू में हो या कश्मीर में हो, पार्टी को और युवा मोर्चा को ताकत देने का काम हम करेंगे। इसी आशा के साथ मैं फिर एक बार आप सभी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और फिर एक बार अरुण प्रभात जी को और अपने पूरे टीम को
आज के भव्य स्वागत के लिए और आज और कल के बहुत सुयोजित कार्यक्रम रचने के लिए मैं उनको और उनके पूरी टीम को मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, नमस्कार।